नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का उभरता हुआ चैनल द वंदे भारत। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के धार्मिक आयोजन को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की अनुमति के बिना अब सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन नहीं हो सकता। वैसे भी धार्मिक स्थानों के भीतर ही धार्मिक आयोजन होना चाहिए। बता दें कि पिछले 1.5 महीने से सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़े जाने को लेकर हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। वहीं हिंदू संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ना उचित नहीं है, इससे माहौल खराब होता है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में या फिर अपनी जगहों पर नमाज पढ़ें। यदि साल में एक आध बार आयोजन करना है तो इसके लिए प्रशासन से अनुमति लें। लोगों का कहना है कि अनुमति के बिना कहीं भी बैठ जाना गलत है। वहीं संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने विरोध स्वरूप सेक्टर 12A में उस स्थान पर गोवर्धन पूजा की थी जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ते थे। वहीं विवाद को खत्म करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग भी आगे आने लगे, जहां 37 स्थानों पर नमाज पढ़ते थे। वहीं गत सप्ताह शुक्रवार को 19 स्थानों पर नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक में यह तय हुआ कि अगले 1 महीने के भीतर स्थान को शून्य पर लाना है, यानी 1 महीने बाद कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वहीं अब विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने भी स्पष्ट कर दिया है कि रास्तों पर बिना प्रशासन की अनुमति के धार्मिक आयोजन करने से बचना होगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।